हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर थ्री. चैप्टर थ्री इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर. यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. सो टुडे लेट्स स्टार्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. सो इट इज़ अ वेरी वेरी इजी टॉपिक. सो वट इज़ द इजी टॉपिक, लेट मी टेल यू वट इज़ द टॉपिक. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स and we will discuss about accumulated losses. So let us understand. Firstly, let us learn the meaning of accumulated. Accumulated means that we have collected for past many years. यानी कि हमने कई last कई years में हमने उसको इकट्ठा कर रखा है और profit को distribute नहीं किया है partners को. तो इसे हम balance sheet में हम लिख कर रखेंगे इसको. This is not distributed to the partner. और accumulated losses का मतलब similarly जैसे profit को distribute नहीं किया, इसी तरीके से past में losses हुए होंगे तो हमने losses को भी distribute नहीं किया है. तो accumulated profit तो आपको balance sheet में कहाँ लिखे मिलेंगे? Accumulated profit आपको मिलेंगे balance sheet में liability side, और accumulated losses आपको मिलेंगे balance sheet में asset side. Is it clear what are accumulated profits? These are the profits which are collected over the past many years and not distributed to the partners. And same accumulated losses are the losses which are accumulated in the past and not distributed to the partners. So can you name some examples? Accumulated profit के क्या क्या example हो सकते हैं जो आपको reserves 11th class में सिखाए थे, like WCR, Workmen Compensation Reserve, Investment Fluctuation Fund, General Reserve, Reserve Fund. और यू कैन से P&L क्रेडिट बैलेंस. ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका एक्यूमुलेटेड है, अभी तक किसी आपने वर्कमैन को क्लेम नहीं दिया. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपने 11th में क्रिएट किया था. जनरल रिजर्व जो हम किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं. रिजर्व फंड एक जनरल रिजर्व की तरह ही होता है. P&L का क्रेडिट बैलेंस. दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द एक्यूमुलेटेड लॉसेस. प्रॉफिट्स यू हैव सीन. सो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वी कैन हैव. P&L debit balance we can have. Advertisement suspense. These are three. You can note down in your notebook also. What I am telling you, firstly I told you about accumulated profits. These are the profits which have been accumulated over many past years and not distributed to the partners. Accumulated loss which are accumulated in the past many years and not debited to the partner's account. Then we have seen the examples. Accumulated profits are workmen compensation reserve, investment fluctuation fund, P&L credit balance, general reserve, reserve fund. Accumulated losses are deferred revenue expenditure, P&L debit balance and advertisement suspense. Now let's talk about the treatment. Very easy treatment it has beta. आपके accumulated profit या losses में एक ही बात है. क्या बात है? कि आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो. वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, क्वेश्चन में बोला होगा ये ऐसा, वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, या बोला होगा डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट. आपको क्वेश्चन में ये लाइन रीड करनी है, वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट एंड डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट. अगर वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट है तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया है. तब आपको क्या करना है, आपको ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. अगर वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि पार्टनर्स नाउ डिसाइडेड दैट दे विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट. सो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे. और अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, यानी कि वो बैलेंस शीट में उसे एज इट इज़ रखना चाहते हैं, तो आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जर्नल एंट्री बनाएंगे. क्या बनाएंगे आप एंट्री? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. लेट मी एक्सप्लेन यू. दो टॉपिक हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस में. क्वेश्चन में आपको पता चलेगा केवल एक नॉट का फर्क होगा, वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट. अगर वो बांटना चाहते हैं तो ओल्ड रेशो में एक एंट्री हो जाएगी. अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे, और अगर लॉस है तो पार्टनर के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे. इंक्रीज इन कैपिटल, प्रॉफिट अगर बांटे जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहा है कैपिटल में तो कैपिटल क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट. और अगर बांटना नहीं चाहते यानी कि बैलेंस शीट में एज इट इज़ वो लिखना चाहते हैं, तो आपको उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, और वो होगा गेनिंग टू सेक्रीफाइस. सो दिस इज आवर टॉपिक टुडे. सो लेट अस सी इट. ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. फर्स्ट है बेटा, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. वो इसको बांटना चाहते हैं तो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? लेट अस हैव अ लुक. अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो लाइक दिस. रिजर्व्स डेबिट, P&L डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर के अकाउंट क्या होंगे? क्रेडिट होंगे. और अगर सपोज लॉस है जैसा कि अभी बताया, तो पार्टनर के अकाउंट क्या होंगे? डेबिट होंगे.
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अगर होते हैं तो उनको आपको बांटना है तो पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करना है, और अगर एक्यूमुलेटेड लॉस है तो पार्टनर के अकाउंट को आपको डेबिट करना है। तो सिंपल रिजर्व, अगर मान लीजिए पेपर में एंट्री आती है कि जनरल रिजर्व है आपका, तो जनरल रिजर्व की एंट्री बताइए, तो जनरल रिजर्व और सपोज दो पार्टनर है तो आप बांट दीजिए जनरल रिजर्व टू ए बी ओल्ड रेशियो में। और अगर मान लीजिए पी एंड एल का डेबिट बैलेंस दे रखा है तो आपको क्या एंट्री बनाओगे, ए बी टू पी एंड एल। लॉस के केस में पार्टनर के अकाउंट डेबिट होंगे, प्रॉफिट के केस में पार्टनर के अकाउंट क्रेडिट होंगे, आपको इतना सक्रक से एक बार समझना है। तो ये आपकी एक्यूमुलेट लॉस की एंट्री है। आगे देखिए, अगर वो बांटना नहीं चाहते, दे डोंट वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट, दे वॉन्ट टू शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो बुक्स में दिखाना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते, तो आपको क्या काम करना होगा, पहले आपको ओल्ड रेशो लिखना होगा, फिर न्यू लिखना होगा, फिर ओल्ड माइनस न्यू आपको कैलकुलेट करना होगा, सेक्रीफाइस और गेनिंग पार्टनर का पता लगाना होगा, और फिर एंट्री बनानी होगी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। जब वो बांटना नहीं चाहते तो उसका एडजस्टमेंट तो करेंगे क्योंकि रेशो चेंज हो रहा है, तब एंट्री बनेगी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो आप देखो, जब वो बांटना नहीं चाहते हैं तो कैसे एंट्री बनाएंगे आप, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। और अगर लॉस है, लॉस रेयरली ही आपको मिलेगा, लॉस होगा तो रिवर्स कर देना सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। तो हमने क्या सीखा, हमने दो टॉपिक इसके अंदर कंसिडर किए कि जब वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट के केस में हमने क्या देखा, पार्टनर के अकाउंट को क्रेडिट करना है अगर प्रॉफिट्स होते हैं तो, और लॉस होते हैं तो डेबिट करेंगे, और अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो एंट्री बनाएंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये दो तरह के सम आपकी बुक में हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं। लेट्स हैव अ लुक, यहाँ पे आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है, ओल्ड रेशो आपको गिवन है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस गिवन है, क्रेडिट बैलेंस गिवन है, आपको 45,000 का जनरल रिजर्व, दोनों को ऐड कर देंगे 1,80,000 और 45, तो ये आपका बनता है 2,25,000, और आप इसको 4/9, 3/9, 2/9 तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पार्टनर के अकाउंट को आपको क्रेडिट कर देना है, एंट्री हो जाएगी। सेकेंड आपका एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है, न्यू भी दिया हुआ है, न्यू का आपको कुछ नहीं करना, ओल्ड का करना है, आपको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो डेबिट बैलेंस दिया जाएगा तो पार्टनर के अकाउंट क्या होंगे, डेबिट होंगे ए बी टू पी एंड एल, तो आपका क्या आंसर बन जाएगा, ए बी टू पी एंड एल, और आप 2:1 में 60 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। थर्ड एग्जाम्पल में आपको दिया हुआ है यहाँ पर कि आपको आपको ओल्ड रेशो दिया हुआ है, न्यू रेशो दिया हुआ है, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, यानी कि बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते हैं, केवल इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप ओल्ड माइनस न्यू कैलकुलेट करोगे, पॉजिटिव आएगा तो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, नेगेटिव आ रहा है तो पार्टनर गेन कर रहा है, एंट्री क्या बना देंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो आपको तीन काम करने हैं इस क्वेश्चन में, क्या तीन काम आप करेंगे, यहाँ पे 40, 20 और ये 15 को माइनस कर दोगे, 60 में से आप 15 माइनस कर दोगे, 40 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, 20 माइनस करना है, तो ये आपका हो गया 45 को आप गेनिंग टू सेक्रीफाइस में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो आपने क्या देखा यहाँ पे 45, फिर आपने ओल्ड माइनस न्यू कैलकुलेट किया, फिर आपने एंट्री की गेनिंग टू सेक्रीफाइस। इन दिस मैनर यू हैव टू कंप्लीट द क्वेश्चन। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। Take help of illustrations also.